हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबी अधोरम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम बताने वाले हैं आपको छठ पूजा का कुछ इस तरह का और लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं आप लोगों के बीच में, जो स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। इसका पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं जहीं देखने को मिलेगा। बाकी आपको ऑल मटेरियल में क्या क्या मिलने वाला है वो भी हम बता देते हैं। पिक्सल एप्लीकेशन का PLP फाइल और आपका पोस्टर और PNG ऑल मटेरियल देखने को मिलेगा। बाकी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखाऊंगा। आप लोग PLP फाइल ऐड करके आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो बंदा अभी तक सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को हम क्रिएट करके दिखाता देते हैं। तो सबसे पहले पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना पड़ेगा। पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेगा कुछ इस तरह का, आपका देखिए PLP फाइल आपको कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हम इसको खड़ा कट करके उसके बाद हम आपको फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पर न्यू टेस्ट दे देगा। इसको कैंसिल कर देना है और 3 आइकन पर क्लिक करना है। उस पर इमेज गैलरी पर जाना है, जहाँ भी फाइल को अनजिप करके रखो उस फाइल में जाना है। के बाद आपको क्या करना है, उस फाइल का नाम है छठ पूजा पोस्टर 4 करके इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर गैलरी पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का माता जी का PNG देखने को मिलेगा। इसको सेलेक्ट कर बीच वाले क्रिएट करके आपको इसका साइज को रिलेटिव साइज को बढ़ा देना, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद कुछ हम इस तरह का PNG ले लेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसका भी रिलेटिव साइज हम इस तरह से बढ़ा देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह का मैंने 12 PNG बनाया है, इसको आपको रिलेटिव साइज बड़ा कर देना, इस तरह से आपको सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर गैलरी पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अपना फोटो जो भी आप बनाया होगा PNG अपने हिसाब से जहाँ भी रखना चाहते हो वहाँ पर मैनेज कर सकते हो, तथा मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर गैलरी पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह से मैंने लिखा है, आप सभी क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। इस वाले PNG को लेना है और या तो अपने हिसाब से मैनेज करके कुछ और भी लिख सकते हो, कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसको चाहो तो यहाँ पर अपना नाम कहीं ऊपर डाल सकते हो। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करते हैं, फॉर गैलरी पे आएंगे। यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का कुछ लोगो नेम प्लेट बनाया है, उसको हम लगा लेते हैं, ओके कर लेना है। उसको इस तरह से बन जाने के बाद आपको सेव कैसे करना है, सेव करने का ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड इमेज पर जाना है और नीचे क्वालिटी देगा, क्वालिटी आपको अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पर सेव कर लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना और आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।